दोस्तों, हमारे पुराणों में कुछ ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है जिसका अनुसरण करके कोई भी मनुष्य अपने दुर्भाग्य को एक सुंदर भाग्य में बदल सकता है। हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अक्सर इसका पाठ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद किया जाता है। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप और पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें धर्म की बातें, ज्ञान, नीति नियम, ज्योतिष और हमारे जीवन से जुड़ी बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है, वहीं दूसरी ओर हमारे जीवन का रहस्य भी छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। इस पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं बातों के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक कुमार और एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री हरि भगवान विष्णु। गरुड़ पुराण की रचना करते हुए भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, व्यक्ति को अपने जीवन में शत्रु की सही पहचान तथा उससे सावधानी बरतनी चाहिए। गरुड़ पुराण के नीति सार में कहा गया है कि शत्रु से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु हमें लगातार चोट पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। ऐसे में यदि हम अपने शत्रु को चतुरता नहीं दिखाएंगे, तो ऐसे में हमें अपने व्यापार में भारी नुकसान और जीवन में भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस पुराण में बताया गया है, जैसा हमारा शत्रु होगा ठीक उसी प्रकार उसकी पहचान करके उसके खिलाफ अपने नियमों का पालन करके उस पर काबू करना जरूरी होगा। कपड़े हो साफ और सुगंधित। यदि आप एक अमीर, धनवान और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है आप साफ सुथरे और सुंदर कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो कि गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो कि गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती है, जिसके कारण उस घर से सौभाग्य भी चला जाता है और धीरे धीरे दरिद्रता का निवास होने लगता है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वह लोग गंदे वस्त्रों को धारण करते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। दोस्तों, इसीलिए हमें साफ और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ज्ञान का संरक्षण अभ्यास से, चाहे कितना भी कठिन से कठिन सवाल क्यों ना हो, ज्ञान हो, विद्या हो या फिर याद रखने की कोई बात हो, वह हमारे अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति अपने उक्त ज्ञान में पारंगत हो जाता है, साथ ही वह उसे कभी भूल नहीं पाता है। जब हम रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ते हैं, तो उस पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, निरंतर अभ्यास से एक बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। निरोगी काया, संतुलित भोजन करने से ही हमें निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह व्यक्ति रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का एक मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम हमेशा असंतुलित भोजन का सेवन करते हैं, जिसके चलते हमारा पाचन तंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं करता है। दोस्तों, इसीलिए हमें हमेशा स्वस्थ भोजन का ही सेवन करना चाहिए। ऐसे भोजन से हमारा पाचन तंत्र ठीक प्रकार से काम करता है और स्वस्थ भोजन से हमारे शरीर को पूर्ण ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, तो हम रोगों से भी बचे रहेंगे। एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, वो सभी कष्टों से बचा रहता है। उस व्यक्ति को उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है।
दोस्तों, एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को हमें नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इस दिन केवल हमें फलों का ही आहार करना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत हमें फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस व्रत को रखने से चंद्रमा का कैसा भी बुरा असर हो, वह हमारे ऊपर से खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व समझें। दोस्तों, हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा सनातन धर्म के अन्य कई पुराणों में भी मिलता है, तुलसी को अपने घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा उसे जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इसका भगवान के प्रसाद में सेवन करने से हमारे सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने के पश्चात इनकी पूजा करने से जीवन में हमें बहुत फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या फिर किसी धर्म का अपमान करने वाले व्यक्ति को एक दिन अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ता है और वह व्यक्ति घोर नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मंदिर जैसे पवित्र स्थानों में गंदे काम करने वाले व्यक्ति, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान के बदले उन्हें गाली गलौज देने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति को नरक से कोई नहीं बचा सकता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि गरुड़ पुराण के माध्यम से हमारे द्वारा बताई गई यह बातें आपके जीवन में आपको बहुत काम देंगी और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद भी आया होगा। साथ ही अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी पर रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।